सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैपकट के वीपीएन के प्रॉब्लम के इश्यू के बारे में गाइस। सो लगातार मैंने एक वीडियो डाली थी आज से कुछ टाइम पहले गाइस, इस वीडियो पे लगातार कमेंट आ ही जा रहा है कि भाई वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है, भाई वीपीएन पे इशू आ रहा है, भाई कैपकट चल नहीं रहा है। और कैपकट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन बन चुका है गाइस, और कैपकट का हर कोई यूज करना चाहता है, बट यहाँ पर जो वीपीएन का समस्या, वीपीएन का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस। सो आज के वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ, परमानेंट सोल्यूशन गाइस। और इसके वीडियो में मैं आप लोगों को इसे दो वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ गाइस। और ये वीपीएन गाइस काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज है, और ये जो प्रॉब्लम है गाइस, जो कनेक्ट नहीं होने वाला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में भी डिटेलिंग में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इंटरेस्टेड है, आप भी कैपकट यूजर है, कैपकट को यूज करना पसंद करते हैं, और आप एक अच्छा वीपीएन चाहते हैं कनेक्ट करने के लिए गाइस, तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, वीडियो करते हैं लाइक। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो करते हैं शुरू गाइस। सबसे पहले तो आपको अपना क्या करना है, अपना जो प्ले स्टोर है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस नाम से सर्च करना, थंडर वीपीएन गाइस। तो इस नाम से सर्च करोगे तो ये वाली जो वीपीएन आप देखने को मिल रहा है गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ये वाली वीपीएन, ये लोगों को पहचान लो, इस लोगों को ये वाली वीपीएन को हमको इंस्टॉल कर लेना। हालांकि मेरे टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन हो तो इस जो वीपीएन का लिंक मैं दे के रखा हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली वीपीएन को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले बिना मैं वीपीएन कनेक्ट किए हुए चला के दिखाता हूँ गाइस। देखो गाइस, कैपकट को जब मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैपकट में जो ये वाली, मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो गाइस, अगर मैं इफेक्ट वाली सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी वीपीएन नहीं होने के कारण से ये वाली जो इफेक्ट सेक्शन आ नहीं रहा है, और डायरेक्ट एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर वीपीएन कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली से आप लोग का एक जो इशू आता है उसमें क्या आता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से कि मैंने थंडर वीपीएन को ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर एक इस टाइप का ऐड आएगा, तो इसको ऊपर में आपको क्या करना है, कट कराने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइस, इसको कट कर लेना। कट करने के बाद गाइस जैसे कि आप यहाँ पर कनेक्ट करना ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हो जा रहा है। देखो गाइस, कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हो गया। अब अगर फिर आप जाकर कैपकट में इस चीज़ को देखोगे, इफेक्ट वाले सेक्शन में जाओगे, तो फिर भी आपको वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और मेरे व्यूअर के साथ भी सेम इसे ही इशू हो रहा है कि कैपकट में मतलब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको नॉर्मली से क्या करना है, एक बार ये जो कैपकट वाली पेज है इसको पहले हटा लेना, क्लियर कर लेना। क्लियर करने के बाद गाइज फिर से आपको कैपकट वाले पेज को ओपन करना, और ओपन करने के बाद इफेक्ट वाले सेक्शन में जाना, और अगर फिर से आपको सेम प्रॉब्लम दिखे कुछ स्टेप्स, सो आपको कुछ भी नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, आपको सिर्फ बैक आना है इसमें, थंडर वीपीएन पे जाना, पहले वीपीएन को अपना डिस्कनेक्ट करना। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्वर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो आपको यहाँ पर सर्वर सेलेक्ट करने का ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो भी ग्रीन ग्रीन जो सिग्नल दिख रहा है गाइस, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये कनेक्ट हो गया कनेक्टेड। अब फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। देखो गाइस, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन किया, तो यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट वाली सेक्शन पर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, इफेक्ट वाली जो सेक्शन मेरा काम करने लग गया, और ये जो वीपीएन है वो सही ढंग से यूज मतलब कनेक्ट हो चुका है अब मेरा कैपकट के साथ, और आसानी तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को यूज कर सकता हूँ जो भी कैपकट के अंदर है गाइस। सो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कोई भी इशू आ रहा है, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, करवा सकते हो मतलब। सेकंड नंबर वीपीएन है सुपर वीपीएन, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या टेलीग्राम से मेरा। और आपको अगर मैं पहले फिर से दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं अगर कैपकट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर नो कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर जो सुपर वीपीएन पे आना है, और देन यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले ऑप्शन पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इस वाले वीपीएन पे एक जो प्रॉफिट है, ये जो ऑटो सेलेक्टेड मोड में गाइस, ये उसी वीपीएन को सेलेक्ट करेगा जो कि आपका कैपकट में यूज होता है। वाइदे भी अगर नहीं सेलेक्ट करता, तो आप इसमें भी सर्वर वाली जो सिलेक्शन मिल जाता है गाइस, तो आप सर्वर को अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, और आसानी से यूज कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं आप लोगों को कैपकट पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर भी ये कैपकट को आसानी तरीके से चला दे रहा है। तो मतलब ये दो वीपीएन को आप आसानी तरीके से यूज कर सकते हो गाइस। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो जो मैंने प्रोसेस बताया उसको आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक्सपोर्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस मैं लेटेस्ट वाली जो कैपकट का लिंक है वो मैं टेलीग्राम में देख रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जब भी यूज करो, तो आप एक बार क्लियर कैच करते रहना गाइस कैपकट के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि आपका फ़ोन अगर मान लो कि थोड़ा लो वेरियंट का फ़ोन है और थोड़ा लैग कर रहा है, तो उससे भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हो गाइस। तो होप सभी को समझ में आ गया कि कैसे आप इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हो, और कैसे वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हो गाइस, और कौन सा वीपीएन कनेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, हमारे चैनल पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को यहीं क्या करते हैं खत्म।